डेली की तरह मतलब मेरी झाड़ू लग चुकी है। बस मैं चाय बनाने वाली हूँ। और आज तो क्या है कि पियू परम की स्कूल भी जाना है, क्योंकि अभी बहुत दिनों से छुट्टी चल रही थी उनकी, कम से कम 10 दिन हो गए। तो 10 दिन से वो लोग स्कूल नहीं गए हैं, और आज से मतलब स्कूल, आज तो छुट्टी नहीं है, तो आज तो स्कूल जाएंगे। और फिर थोड़े दिन और जाना है बस, उसके बाद दिवाली की छुट्टी। तो बस उनके लिए थोड़ा नाश्ता भी बनाना है, और अभी तो वो सो रहे हैं दोनों, तो मैं उनको थोड़ी देर बाद उठाऊँगी, क्योंकि उनकी स्कूल के टाइम का है 7:30 बजे का है, तो अभी थोड़ा टाइम है। तो फिर मैं जब तक चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद उनको उठाऊँगी। और फिर देखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाना है। तो आप इस ब्लॉग पर बने रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अजय जी, दिवाली को तो मौजो ही काम है, क्या फिर तो सफाई नहीं होना चाहिए, सफाई करने तेल आया तो पूरी का है तो मतलब जी 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 भी नहीं तो जी जी ले जाए। अच्छा नहीं कहा खेत में से ले आना, पर जब दे वे तो गीला हो गया कोकर, बहुत तेज बारिश हो गई थी तो पानी डाल लेंगे फिर। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 6:30 और मतलब शाम हो गई है, और बस मुझे अब खाना बनाना है। तो आज हमारी बनी थी कड़ी, सुबह बनी थी कड़ी, तो अभी थोड़ी सी बची थी, तो मतलब उसी को मैं छौंक लगा रही हूँ उसमें। और कड़ी का टेस्ट छौंकने से बहुत अच्छा हो जाता है, जितना टेस्ट उसका पहले नहीं आता उसको छोंकने के बाद आता है। तो मैं हमेशा कड़ी में छोंक लगाती हूँ घी में, तो मैंने ये थोड़ा सा घी ले लिया है, और मैंने थोड़ी सी 4-5 लहसुन की कलियाँ ली थी तो उनको अच्छे से कूट लिया है, और ये है 4-5 कटी मिर्ची। तो इससे क्या है, मिर्ची से थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा डालूँगी मैं जीरा, तो ये जीरा रख लिया है मैंने अलग से। और साथ में रोटी भी बननी है, तो देखिए यहाँ पर रोटी बने भी बनाऊंगी साथ में। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और अब मैं डालूंगी लहसुन, और मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से चखने देंगे, और उसके बाद डाल देंगे कड़ी। तो ये है कड़ी, और ये मैंने बनाई थी, इतनी बनाई थी मैंने, ये देखिए ये निशान दिख रहा है, और ये दिन में खप गई है थोड़ी सी, अभी इतनी सी बची है। तो बस मैं इसी में लगा लूँगी छौंका, और ये आटा लग ही गया है, तो मैं इसकी बस रोटियाँ बना लूँगी। तो ये मैंने देखिए कड़ी डाल दी है, और अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे जब तक इसमें उबाल आ जाएगा। तो बस कड़ी तैयार है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7, और मेरा खाना बन चुका है, और मतलब खाना से फ्री हो चुकी हूँ मैं। और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी करवा चौथ की छन्नी और करवे की डेकोरेशन की, तो क्या हुआ कि वो करवा और छन्नी मैंने सजाए थे जो इस बार, तो वो मेरी भाभी को बहुत पसंद आ गए, तो उन्होंने कहा कि दीदी ये मुझे दे दो आप, और आप दूसरे सजा लेना, क्योंकि आप मतलब ये सब कर लेते हो आप, तो मतलब मुझे टाइम भी नहीं है इन सब के लिए, तो आप ये दे दो मेरे लिए, और आप दूसरे ले लेना, और आपको मतलब जैसे भी आप सजाना चाहो उस हिसाब से सजा लेना। तो फिर मैंने वो करवा और छन्नी दे दी हम भाभी को,
और अभी मैं आज मार्केट गई थी तो फिर मैं दूसरा छन्नी लाई थी मार्केट से और करवा लाई थी। और उस छन्नी और करवे के लिए जो डेकोरेशन में जो लगने वाला है वो लेस वगैरह सब लाई थी मैं। तो बस अब मैं उनको सजाने वाली हूँ क्योंकि करवा चौथ का एक ही दिन रह गया है, बस कल का दिन शेष है, परसों तो करवा चौथ है ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तैयार कर लेते हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता और फिर आने वाला है, तो फिर मैंने सोचा जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। तो बस मैं अब सजाने वाली हूँ करवा और छन्नी। देखिए छन्नी तो बिल्कुल सिंपली मिलती है यहाँ पर, और कुछ सजी सजाई भी छन्नी मिलती है, लेकिन वो मतलब उनमें बहुत बेसी लेस लग जाती है तो मुझे पसंद नहीं आती। तो पर मुझे ये लगता है कि इससे अच्छा तो ये है कि अपन छन्नी सैंपल ले लो और उसके लिए लेस मार्केट से लेके और फिर अपने घर पर ही सजा लो। तो फिर मैं ऐसे ही ले आई और ये करवा है, तो ये करवे को भी मुझे सजाना है अच्छे से, तो मैं इसके लिए भी कुछ लाई हूँ। तो मैं बस दोनों को सजा रही हूँ, तो आप देखिएगा कि कैसे लगते हैं। और ये यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी। चिपकाऊंगी इस पर, मुझे जाहिल कहता है जिदू जाता है और तुम उससे नाराज होता है, वो होता है और तुम मांगो क्या समझा बादशाह। तो देखिए ये मैंने छन्नी तैयार कर ली है और इसमें मैंने अब की बार थोड़ी अलग लेस लगाई है। ये देखिए नीचे जो लगाई है वो लटकन वाली लगाई है इस तरह से, ये देखिए। और ऊपर एक मतलब जो जगह छूट गई थी ना ऊपर, तो उसमें एक सिर्फ एक लेस लगाई है वो भी चौड़ी, तो इसमें मल्टी कलर है तो बहुत सुंदर लग रही है ये देखिए। और इस पर देखिए ये छोटे छोटे मैंने स्टोन भी लगा दिए हैं ग्रीन कलर के, इसमें जो लगे नहीं थे मैंने ऊपर से लगाए हैं। तो ये देखिए छन्नी तैयार हो गई है, ये देखिए इस तरह से, ये मतलब ऐसे देखने पर ऐसी लग रही है। और ये देखिए ये है करवा, तो मैंने इसमें थोड़ी अब की बार अलग डिज़ाइन मतलब अलग तरह के स्टोन लगाए हैं। तो ऊपर तो ये मतलब लेस थी तो वो लगा दी है मैंने, और नीचे ये वाइट कलर के स्टोन लाई थी मैं आज ही मार्केट से, तो मैंने ये लगा दिए हैं पूरे में। तो इस तरह से ये लग रहा है, देखिए आप बताएंगे आपको कैसा लगा करवा और छन्नी का डेकोरेशन। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, थोड़ा मतलब थोड़ा अलग है, पिछली बार जो किया था मतलब वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इस बार मैंने मतलब उसमें ज़्यादा लेस लगाई थी मैंने, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ एक ही लेस लगाई है ऊपर और नीचे सिर्फ स्टोन लगाए हैं वाइट कलर के, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से है ये। तो ये मेरी करवा और छन्नी की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 8:30 और अभी मैं मतलब इनकी डेकोरेशन करके मतलब फ्री हो चुकी हूँ, छन्नी और करवा डेकोरेट हो चुके हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं पर खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को शुभरात्रि।